दोस्तों गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में खीरा खूब खाया जाता है। सलाद के तौर पर खीरे का जमकर इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर लोग खीरे के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये गार्डनिंग के लिए बड़े काम की चीज़ है। खीरे का पानी का इस्तेमाल आप पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। आज आपको बताऊंगा खीरे के छिलकों के चमत्कारी गुणों के बारे में। आप पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों खीरे के छिलकों में ऐसा क्या है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। खीरे के छिलके में पोटेशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये तत्व प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा खीरे में मौजूद एल्कलाइड एक नेचुरल फैक्टर के रूप में काम करता है, इसलिए आगे से आप खीरे के छिलके को फेंकने के बजाय उन्हें अपने पौधों में डालकर इसका फायदा उठा सकते हैं। खीरे के छिलकों से नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, इसके लिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो छोटा है, पूरा देखेंगे तो आप इस कमाल की चीज़ को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप खीरे के ताजे छिलके लेकर उसे एक ऐसे बर्तन में डाल दीजिए जिसे बंद करके रखा जा सके। अब आप इस बर्तन को पानी से भर दीजिए और फिर बर्तन को बंद करके इसे ओवरनाइट यानी रात भर छोड़ दीजिए। करीब 10 से 12 घंटे बाद खीरे के छिलके वाले पानी को छान लीजिए। ये जो पानी है यही है खीरे के छिलकों से बना फर्टिलाइजर। अब इस पानी को आप अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों खीरे के छिलकों से बने इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप 3 हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और तरीका है दोस्तों, आप खीरे के छिलकों की राख का इस्तेमाल फर्टिलाइजर के तौर पर कर सकते हैं। इसके लिए खीरे के सूखे छिलकों को किसी बर्तन में रखकर उसे जला लीजिए। इस तरह जो राख बनेगी उसे फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करिए। इस तरीके से आपके प्लांट्स को खीरे के छिलकों में मौजूद पोषक तत्व मिल जाएंगे। एक दूसरा तरीका है दोस्तों जिससे आप खीरे के छिलकों में मौजूद पोषक तत्वों को अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इसके लिए खीरे के छिलकों को किसी ट्रे में रखकर सुखा लीजिए। छिलके सूखने के बाद इन छिलकों को आप हाथ से मसलकर तोड़ लीजिए और फिर इसे आप गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। देखिए इस तरह से करना है। दोस्तों अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो गर्मियों के सीजन के लिए आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप खीरे के छिलके को अपने प्लांट्स के गमलों की ऊपर वाली लेयर पर रख करके छोड़ दीजिए, यानी आपने खीरे को छिला और उसके जो छिलके हैं उसे डायरेक्टली गमले की ऊपर वाली लेयर पर रख दिया, तो इसमें कोई झंझट भी नहीं है, फट से आप ये काम कर सकते हैं। इससे मिट्टी खीरे के छिलकों से ढकी रहेगी। गर्मियों के दिनों में मिट्टी में मौजूद नमी की वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, यानी मिट्टी में मौजूद नमी ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। धीरे धीरे ये छिलके मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाएंगे और आपके प्लांट्स को फर्टिलाइजर की ताकत देंगे। खीरे के छिलकों को इस तरह गमले में रखने से पौधों की पत्तियां खाने वाले कीड़ों से भी बचाव हो जाता है। खीरे के छिलकों को गमले में रखने से चींटियां भी पौधों से दूर रहती हैं और पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों ये था
खीरे के छिलकों से फर्टिलाइजर बनाने का आसान तरीका। आप भी इस गर्मी के सीजन में खीरे के छिलकों से बनी खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट्स में कीजिएगा और अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।